हाँ तो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइट एकेडमी में। आज हम प्रश्नावली को देख लेते हैं। देखो बच्चों, क्या है प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 8 आज हम आपके समक्ष करने जा रहे हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 7 तक इससे पिछली वाली वीडियो में हम हल कर चुके थे, जिसको आप हमारी पिछली वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आठवें सवाल का पहला पार्ट है 8aq + bq + 12a² + 6ab² तो इस जगह पे देखिए बच्चे, इसे जब मैं हल करूँगा तो 2a³ इस जगह पर b³ यहाँ से मुझे 6ab दिखाई दे रही है, कॉमन ले लिया तो इस जगह पे 2a और + b इस जगह पे बचा रहेगा। अब इसके बाद और आगे हम चलते हैं तो 2a³ + b³ प्लस इसको मैं और तोड़े देता हूँ तो 3 × 2a × b × 2a + b इस रूप में रखे देते हैं। अब बच्चों, हमने आपको बताया था कि a + b³ जो होता है वो a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b के रूप का होता है। तो यहाँ इसको हमने a मान लिया है, ये b है, 3 इसकी भांति यहाँ लगा हुआ है, a को हमने 2a रूप दिया था तो ये है, b का मान ये है, सेम ये संख्या जो आ रही है तो ये क्या बन जाएगा हमारा, a की जगह पर आ जाएगा 2a + b³। इस सवाल का आंसर होगा। सेकंड पार्ट को जब बच्चे हम देखते हैं तो सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है 8aq - bq - 12a² b और प्लस का 6ab² तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल यही सवाल है। इसको देखिए जब हम हल करते हैं तो 2a³ - b² 6ab यहां से कॉमन ले लेते हैं तो इस जगह पर 2a - b। इसको और एक और स्टेप में आगे लेकर के चलते हैं तो 2a³ - b³ - 3 × 2a × b और 2a - b, तो ये बच्चे हमारा a³ - bq - 3ab और a - b³, तो ये क्या बन जाएगा, 2a - b³ बन जाएगा। इस अब सवाल नंबर 8 का थर्ड पार्ट है बच्चे, तो इसको जब मैं हम देखेंगे तो देखिए इस रूप में लिखा हुआ है, 27 का घनमूल हम करेंगे तो 3^3 माइनस इसे जब हम करेंगे तो 5a³ माइनस इस जगह से मैं क्या इसमें से पूरी तरह से देख रहे हैं तो 45 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 45 ए जैसे ही कॉमन लेंगे तो 45 * 3 = 135 और माइनस का ये हो जाएगा 5a। इसको आगे जब हम हल करेंगे तो 3³ - 5a³ इसको जब मैं रखूँगा तो 3 सूत्र वाला, फिर ये 3 और 5a यहाँ से और 3 - 5a, 3 × 9 = 45 पूरा हो गया, तो ये क्या बन गया बच्चे, 3 - 5a³ इस सवाल का आंसर होगा। फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं बच्चे, फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, 64aq - 27bq - 144a² b और प्लस 108ab² तो यहाँ से फिर मैं रखता हूँ तो देखिए 64 का घनमूल कितना होता है 8, तो 64 का घनमूल 8 है तो 4a³ - 3b³ और माइनस इस पूरे में से हम क्या करते हैं 36ab कॉमन ले लेते हैं तो 36 का इसमें भाग देंगे तो 4a और माइनस 36 * 108 1, तो ये क्या हो जाएगा 4a³ - 3b³ - 3 × अब ये वाली संख्या 4a × अब ये वाली संख्या 3b और ब्रैकेट में 4a - 3b को रख देते हैं। अब हम देख रहे हैं aq - bq - 3ab और a - b, तो ये क्या बन जाएगा 4a - 3b का
होल होल की इस सवाल का आंसर। आठ का फिफ्थ पार्ट है, इसमें देखो ये रखा गया है, तो इसको हम करेंगे 3p का होल क्यू माइनस 1/6 का होल क्यू माइनस इसमें से मैं से 3p का होल क्यू माइनस 1/6 और इस जगह से मैं क्या 3/2p कॉमन ले लेता हूँ। 3/2p कॉमन जैसे ही लेंगे तो देखो इस जगह पे बचेगा 3p और माइनस का इस जगह पे कितना बचेगा 1/6, कितना बचेगा 1/6। इसको और एक स्टेप में लिख देते हैं, 3p का होल क्यू माइनस 1/6 का होल क्यू माइनस 3 × 1/2 × 1/2 इस जगह 1/2 करके हमें 3 × 3p क्या 3p और 1/6 और इस जगह पे 3p माइनस 1/6 कर देते हैं। इससे मैं इसको काट दूंगा तो 3/2 ही रहेगा, तो अंत में ये क्या बन जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यू इस सवाल का आंसर होगा। तो हमें ये हमें सत्यापित करना है कि ये हमारा इसके बराबर होता है, तो इसकी हम क्या करेंगे बच्चे RHS करेंगे, तो x प्लस y और इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखो एक्स क्यू, इस एक्स का अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई, अब इस एक्स का इस बाई के साथ करेंगे तो एक्स बाई स्क्वायर, अब प्लस बाई का इसके साथ बच्चे जब हम करेंगे तो बाई एक्स स्क्वायर, इस बाई का गुणा इसके साथ करेंगे तो एक्स बाई स्क्वायर और प्लस बाई का बाई के साथ करेंगे तो प्लस बाई का क्यू। अब देखिए एक्स बाई स्क्वायर से एक्स बाई स्क्वायर ये कट जाएगा, बाई एक्स स्क्वायर से बाई एक्स स्क्वायर कटेगा, एक्स क्यू और प्लस बाई क्यू ये हमारा एक आंसर बचेगा। सेकंड पार्ट को बच्चे देखते हैं तो सेकंड पार्ट में इसमें दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस बाई क्यू बराबर एक्स माइनस बाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई और प्लस का बाई स्क्वायर। इसको चाहें तो इस जगह पर बच्चे किसके बराबर थी ये हमारी LHS के बराबर थी तो LHS लिख देंगे, इस जगह पर भी हम RHS करते हैं तो एक्स माइनस बाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस का बाई स्क्वायर, एक्स का एक्स के साथ गुणा करूँगा तो एक्स क्यू, एक्स का इस एक्स के साथ गुणा करूँगा तो एक्स स्क्वायर, लगेज में बाई है तो बाई आ जाएगा, इस एक्स का इसके साथ करूँगा तो एक्स बाई स्क्वायर माइनस बाई का इसके साथ करूँगा तो बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा बाई क्यू, इस एक्स बाई स्क्वायर से एक्स बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर से बाई एक्स स्क्वायर, अंत में देखिए एक्स क्यू और माइनस बचेगा बाई क्यू। ये इस सवाल की LHS होगी बच्चे। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था, मिलते हैं आपसे।